हे गाइस, आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली, सच में बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि फ्री फायर में न्यू अपडेट आने वाला है और उस अपडेट के बाद आपका फ्री फायर काफी हद तक चेंज हो जाएगा। उसमें न्यू इमोट आपको देखने के लिए मिलेगा, न्यू करेक्टर आने वाला है, न्यू पेट आने वाला है, पूरा मैप चेंज हो जाएगा, काफी चीजें चेंज होने वाली है, सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो चलो गाइस, फटाफट कर लेते हैं वीडियो के स्टार्ट। ओके गाइस, सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देखिए, फ्री फायर का जितना भी फॉन्ट है सारा फॉन्ट को यहाँ पर चेंज कर दिया गया, मतलब जो लिखावट होता है उसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखो, फ्री फायर पहले कुछ अलग स्टाइल में लिखा हुआ रहता था, लेकिन अब फ्री फायर कुछ अलग स्टाइल में लिखा हुआ है, तो काफी अच्छा लग रहा है। एंड इसके अलावा जो यहाँ पर गोल्ड कॉइन का आइकन होता है, डायमंड का आइकन होता है, वो भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग जाने वाले प्रोफाइल में, तो प्रोफाइल का यहाँ पर इंटरफेस देखो, इसको भी चेंज कर दिया गया, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, काफी बेहतरीन है गाइस, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग जाने वाले फ्रेंड वाले सेक्शन में, और इसका भी इंटरफेस को चेंज कर दिया गया, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। अब हम लोग जाने वाले सेटिंग में, तो यहाँ पर आप लोग देखो बेसिक में कुछ ज्यादा यहाँ पर चेंजिंग नहीं हुई है, और सेंसिटिविटी में भी कोई ज्यादा चेंजिंग मेरे को नहीं दिख रहा है। कंट्रोल में यहाँ पर एक नया चीज को ऐड किया गया है, जिसका नाम है स्मार्ट थ्रो, और आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा कि इसका क्या काम होने वाला, ठीक है। ऑटो पिकअप में देख लेते, तो ऑटो पिकअप सेम टू सेम होने वाला, डिस्प्ले सेम टू सेम होने वाला। साउंड में, हाँ साउंड में एक नया ऑप्शन ऐड किया गया, करेक्टर वॉइस, मतलब जो करेक्टर वगैरह फायरिंग वगैरह होता है ना, तो उसमें जो थोड़ा बहुत आवाज निकलता है उसको यहाँ पर आप लोग ऑफ कर सकते हो, तो काफी बेहतरीन है। वाइब्रेशन में भी पहले जैसा है, नोटिफिकेशन भी पहले जैसा है, तो यहाँ पर कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं हुई है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखो गाइस, एडवांस सर्वर का, इवेंट का यहाँ पर इंटरफेस, हालांकि अब अपने फ्री फायर में जो भी इवेंट आएगी उसका भी इंटरफेस ऐसा होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर आप लोग देखो, मेरा पहला मिशन कंप्लीट हो गया है, और इसके अलावा डेली लॉग इन रिवॉर्ड में मेरे को 300 डायमंड मिल गया, ठीक है। एंड गाइस, यहाँ पर मेल बॉक्स का भी इंटरफेस को चेंज कर दिया गया, और मेरे अकाउंट में देखो इतना सारा डायमंड आया हुआ है, तो फटाफट क्लेम कर लेते हैं। और क्लेम करने के बाद जो इंटरफेस दिखता था वो भी यहाँ पर चेंज हो गया, तो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। और लेवल जो बढ़ता था ना, उसका भी यहाँ पर ग्राफिक चेंज कर दिया गया, जो कि मेरे को काफी ज्यादा बवाल दिख रहा है। ओके, अब हम लोग जाकर के देखने वाले कौन सा न्यू गन आने वाला है, तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, वीपन वाले सेक्शन में चलते हैं। और हमारा न्यू गन किधर गया भाई? ओके, यहाँ पर आप लोग न्यू गन को देख सकते हो, और ये SMG MO वाला गन होने वाला, मतलब आप लोग शॉर्ट रेंज वगैरह में यूज कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन दिख रहा है। एंड इसके अलावा अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्री फायर में आने वाले न्यू पेट, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, और कितना क्यूट दिख रहा है ना गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देखो भाई, अरे भाई साहब ओपी भाई, इसके पैर देखो ना, पैर कितना बड़ा है भाई, अरे भाई साहब इसके हाथों से ज्यादा पैर बड़ा है भाई, वैसे भी होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा अपडेट आ रहा है फ्री फायर में, और जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं वीडियो बना करके मैं आपको दिखाता रहूंगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर आप लोग न्यू पेट कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। एंड इसके स्किल के बारे में मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। एंड इसके अलावा फ्री फायर में न्यू करेक्टर भी आने वाला है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो, हालांकि इस करेक्टर का फेस रिवील नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन ये कौन सा करेक्टर होने वाला आप लोग पर देख सकते हो, जस्टिन। यस गाइस, काफी कमाल का करेक्टर होने वाला है, और ये फेमस सिंगर है, तो काफी ज्यादा ओपी होने वाला है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि कैसा दिख रहा है, ठीक है, सबका फेवरेट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। और इसके अलावा एक फीमेल करेक्टर भी आने वाला है, जिसका फेस वगैरह रिवील नहीं किया गया, जो कि अभी तक मेरे को भी पता नहीं चला है, जैसे मेरे को पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। एंड इसके अलावा अभी हम लोग क्या देखना चाहिए, हाँ यहाँ पर आप लोग देखोगे इसका भी इंटरफेस को चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, थोड़ा वेट करेंगे तो ये लोडिंग तो नहीं होगा, बट आप लोग देख सकते हो इसी टाइप का इंटरफेस होने वाला है। एंड गाइस, यहाँ पर कस्टम वगैरह, यहाँ पर आप लोग देखो थोड़ा बहुत कस्टम वगैरह में भी चेंजिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। और ये क्रैफ्टलैंड का जो कस्टम कार्ड होता है, उसका कलर ना ग्रीन कर दिया गया है, तो काफी अच्छी है। और यहाँ पर मैं आपको इंटरफेस वगैरह दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोडिंग हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, फ्री फायर में बहुत सारे न्यू मूड भी आने वाले हैं, तो उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द ला दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या कहते हैं ना, ट्रेनिंग रूम में जाकर के देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चेंजिंग आया हुआ है या फिर नहीं आया हुआ है। ट्रेनिंग रूम में कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं हुए, बट जाकर के अंदर के साइड में देख लेते कि अंदर के साइड में हो सकता है कोई चेंजिंग आ जाए, बट इधर भी मेरे को कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये सारा चेंजिंग होता तो और भी ज्यादा मजा आता ना गाइस। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखो, जो सेटिंग का आइकन होता है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में कर दिया गया है, यहाँ से आप लोग सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, तो ठीक ठाक चीज है। अभी हम लोग क्या करते हैं, बैक कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग जाने वाले न्यू इमोट को देखने के लिए, हो सकता है न्यू इमोट वगैरह भी आ जाए। ओके, तो इमोट वगैरह यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पर शो करने लगेगा उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। और यहाँ पर आप लोग ये सारा चीज देख सकते हो, कुछ क्रिएट वगैरह पड़ा हुआ है, तो ये ओपन नहीं करेंगे, बिकॉज चिमकांडी चीज है,
एंड यहाँ पर मैसेज करने वाला जो यहाँ पर सारा इंटरफेस को चेंज कर दिया गया, तो ये भी मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड स्टोर वगैरह में जाकर के देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज चल रही है। यहाँ पर जितने भी चीजें होती है ना गाइस, वो वन डायमंड में वन कॉइन में हम लोग ले सकते हैं, तो ये इतना ज्यादा बेहतरीन चीज नहीं है। बट आप लोग देख सकते हो एडवांस एडवान में ये सारा चीज होता है, तो बस इतना ही चीज आप लोग देखो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पर लोबी वगैरह कैसा चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फटाफट मैच लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप लोग लोबी देखो, लोबी हमेशा पुराना वाला ही डाल देता है, तो हो सकता है आपके अपडेट के बाद कुछ नया लोबी आपको देखने के लिए मिले, जो कि सरप्राइज गिराने वाला रखना चाहता है कि भाई जब भी ओबी का अपडेट आए कुछ उसको नया देखने के लिए मिले हमारे यूजर को। ठीक है, तो इसलिए वो छुपा करके रखते हैं। अब हम लोग जा करके देखते हैं मैप के अंदर क्या चेंजिंग आई हुई है। गाइस जब भी मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे को बार बार बाहर फेंक दे रहा है, तो अभी मैं आपको मैप वगैरह नहीं दिखा पाऊंगा, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।